हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। मतलब जिसको मेकअप नहीं करना है, जिसको मेकअप पसंद नहीं है, उसके लिए वीडियो है। वेडिंग गर्ल्स मेकअप लुक मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही शादियों का सीज़न बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं थोड़ा बहुत भाग भी कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इग्नोर करना। सो मैंने लिया है यहाँ पे फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर। जी हाँ, ठंडियों में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ आपका चेहरा ना, अगर आप कोई चीज़ लगाते हो तो आपका फेस बहुत अजीब सा हो जाता है, खुरदरा सा हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ। सो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और आपको इससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पे पूरी तरीके से लगा लो, गले पे लगा लो, सब जगह लगा लो। सो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। मैंने इसमें बहुत ही कम मेकअप किया है, मेकअप मतलब ना के बराबर किया है। जो जिसको पसंद नहीं है मेकअप, और ठंडियों का सीज़न चल रहा है, हमारे यहाँ तो ठंडियाँ आ चुकी है, इसके लिए मैं ठंडियों का थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लगाया है नॉर्मल सा पाउडर। जी हाँ, कोई भी अलग सा पाउडर नहीं लगाया है, जो सबके घर में बेसिक से पाउडर यूज़ होते हैं वही पाउडर लगाया है, और हल्का हल्का सा अपने हाथों से अपने फेस पर लगा लिया है। ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि मेकअप ज़्यादा सबको पसंद नहीं होता। जी हाँ, मतलब मेकअप मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, और वेडिंग गेस्ट है तो आप थोड़ा सा कम मेकअप करो, लाइट मेकअप करो तो उसमें बहुत ही प्यारे दिखते हो। उसके बाद मैंने लगाया है लाइनर। लाइनर मैंने पूरा लगा के नहीं दिखाया है, हल्का सा दिखाया है। जी हाँ, इस तरीके से मैंने लाइनर भी लगा लिया। उसके बाद लगाया है मेरा फेवरेट काजल। जी हाँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि काजल के बिना मेरी आँखें बहुत ही अधूरी सी रहती है। उसके बाद ये आँखें मतलब देखो ना, एकदम फुल फुल हो गई है, मतलब प्यारी दिखती है आँखें। उसके बाद मैंने लगाया है दो लिपस्टिक। जी हाँ, मिक्स करके मैंने लगाया। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए। जी हाँ, एक पिंक में है, एक लाइट पिंक में है, एक अलग सा मतलब क्या डार्क पिंक कह सकते हो। तो लाइट पिंक वाला मैंने बीच में लगाया है इस तरीके से। उसके बाद मैंने लगाया है दूसरा वाला लिपस्टिक, जो दोनों ही मैट में है, ये वाला। सो ये दोनों लिपस्टिक मुझे बहुत ही पसंद है। दोनों क्या, मुझे जो मैं अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने लगाया है मैट लिपस्टिक, इसलिए मैं लगाती हूँ बिकॉज ऑफ कि मैट लिपस्टिक आप जितना भी खाओ पियो, मैं बाहर जाना था तो ऑफकोर्स बाहर जाएंगे तो फिर खाना पीना ऑफकोर्स रहता ही है। तो सोचा कि ये लगा लेती हूँ, इसमें कोई झंझट मारी नहीं रहती है, निकलता भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसके बाद मोस्ट फेवरेट वन एंड ओनली हाइलाइटर। जी हाँ, कुछ लगाओ या मत लगाओ, हाइलाइटर लगा लो, आपका मेकअप फुल 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 कम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक रखा है, सिर्फ चार प्रोडक्ट्स से। जी हाँ, आपको प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गई हूँ मैं रेडी, अब आपको मैं फुल लुक दिखा रही हूँ थोड़ी देर में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, केयर, अपना ख्याल रखें। सो ये रहा फुल लुक, थैंक यू।